नमः श्री वर्धमानाय यत्तोत्कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यातर्मणायते बादल हट जाते हैं बरस जाने के बाद, बादल हट जाते हैं बरस जाने के बाद, गम हल्का हो जाता है आंसू बहाने के बाद। लेकिन सबक मिलता है, सबक मिलता है जब जाने के लाभ समझाया कि भोजन विधान में बैठ जाओ, लेकिन पछतावा होता है विधान संपन्न होने के बाद। टू लॉन्ग दी स्टेबल और मेंटेन स्टेज इज स्ट्रगल। अब पछताए हम क्या जब चिड़िया चुगली कह रहे हैं आ जाओ मौका है, अध्यात्म रूपी गंगा में डुबकी लगा दो। लेकिन हम सोच बंधुओं करिश्रमी भी चिट्ठी करूंगा लोग सोचते ही रह जाते हैं, लेकिन इतना जानने के उपरांत भी हम लोग सोचते रहते हैं कि हम क्या करें, धर्म भी तो करना है बाद में कर ले। बुढ़ापा आएगा जब धर्म की आराधना करेंगे बच्चों, बुढ़ापे का जब आजकल तो जवानी में हार्ट अटैक होते नहीं होते, 40-45 साल की उम्र में भी हार्ट अटैक होने लगते हैं, इससे कम में भी होने लगते हैं 30-35। आजकल तो बीमारी का ही पता नहीं चलता, अभी कल कोई मर गया कि कुछ तो हार्ट अटैक भी नहीं था, ऐसी गिर गए उड़क गए पता ही नहीं चले। कोई कहे कि खाना खाते खाते मर गए, कोई पूजन करते करते, कोई चलते चलते, कोई बाथरूम में, तो कोई हवा में, कोई छत में, पता ही नहीं चलता आदमी कब कहाँ से लुढ़क जाए। क्योंकि डेथ गिव्स नो कैलेंडर, मृत्यु की कोई तारीख निश्चित। इसलिए बंधुओं धर्म की आराधना हमको बचपन में ही शुरू कर देनी चाहिए। हम समझते हैं कि बुढ़ापा आएगा तो धर्म की आराधना करेंगे, अभी आप देख लो युवा पीढ़ी को विधान में बैठने में शरम आती, लेकिन हम बहुत सी जगह दूसरी जगह जाते हैं, या तो पहले से आए भी नहीं थे, नहीं तो जितने आप लोग दिख रहे हो उससे ज्यादा युवा भी बिठाते, लेकिन समय मिला नहीं हमको और एक दिन पहले ही आना हुआ। नहीं तो बहुत सी जगह हम जाते हैं, युवा लोगों ने होड़ मची रहती है कि हम भी विधान में बैठे, लेकिन आज अपन क्या सोचते हैं कि विधान में बैठने का काम सास ससुर का है, विधान में बैठने का काम मम्मी पापा का है। अपन इस धर्म को बुढ़ापे का धर्म समझ लेते हैं बंधु, ये धर्म किसी भी उम्र में धारण किया जा सकता है, इसकी कोई उम्र फिक्स नहीं हो। एक बच्ची बचपन से धर्मात्मा थी, माता पिता के द्वारा संस्कारित थी और डेली मंदिर जाती थी, समय समय पर विधान पूजन में भी भाग लेती थी, हार वगैरह भी देती थी उसको, पूजन करना भी आता था हार देना। उसने बहुत पुण्य कमाया था इसलिए उसके अच्छे घराने में शादी तो हो गई, लेकिन जिस करोड़पति खानदान में उसकी शादी हुई
वहां के लोग धर्म से नीचे धर्म नहीं है। शादी बहुत ठाट बाट से हुई, माँ बाप को बहुत खुशी हुई हमारे बच्चे की अच्छी जगह शादी कर दो। बच्ची को संस्कार दे, शादी के अगले दिन ही अपने ससुराल ने अपने डिब्बी में चावल आदि लेकर वो घर से निकलने लगी। सासू माँ के चरण छू बोले मैं मंदिर जा रही हूँ। कहाँ जा रही है? शादी हुई एक दिन भी वहाँ नहीं है मंदिर है जाने, मैं तो जाती नहीं हूँ मंदिर, तू कहाँ जाने बैठा? वो एकदम घबरा गई कि क्या हो, उसको इतनी आशा नहीं थी। उसने सोचा कि सासू माँ बोले कि मैं भी चलती हूँ, लेकिन यहाँ तो मामले उल्टे। सासू माँ ने ऐसी डांट लगाई, घर से बाहर नहीं निकलना, कोई मंदिर नहीं जाना, हमारे घर में हम तो मंदिर नहीं जाते, और तू वही बड़ी महारानी मंदिर जाने वाली, बैठ जा चुपचाप। अब उसने एक दिन भी ऐसा नहीं निकाला था कि मंदिर नहीं गई। उसको तो एकदम शौक लगा कि जैसा ससुराल मिल गया, यहाँ तो सब नास्ते, उनके घर में न तो कोई धार्मिक किताबें, न धार्मिक तस्वीरें, और नहीं कोई मंदिर जाने की चर्चा, न कोई माला, बस वहाँ तो पार्टी पार्टी और बस मेहमान बाजी, और कभी इधर जाना घूमने, कभी उधर जाना घूमने। वो तो शौक में आ गई, पार्टी बाजी में घूमने जा रहे हैं, गाँव में मंदिर वहाँ नहीं जाए। उसके संस्कार थे, माता पिता ने संस्कार दिए थे, एक दिन निकाले, दो दिन निकाले, तीन दिन निकाले, उसके दिन कैसे निकले वही जाना। मन ही मन उदास हो रही थी कि कहाँ शादी करा दी, माँ बाप ने तो पैसा दे के शादी करा दी, करोड़ों रुपए का क्या करे, जिस घर में कोई धर्म कर्मता नहीं है तो वो घर एक नरक तुल्य लगता है। आप भी समझता है जिसके पास करोड़ों पैसा रुपया है वह अमीर है, और जिसके पास पैसा कम है वह गरीब है। लेकिन बंधु आगम की दृष्टि में अमीर उसी को बोला है जो रोज 24 घंटे में कुछ समय अपनी आत्मा के लिए निकालता हो, जो रोज 24 घंटे में कुछ समय धर्म ध्यान करता हो, भगवान की भक्ति करता हो, भगवान की आराधना करता हो, वह इस दुनिया का अमीर व्यक्ति। और जो 24 घंटे में बिल्कुल भी धर्म ध्यान नहीं करता, बिल्कुल भी देव शास्त्र गुरु के प्रति समय नहीं निकालता, वह इस दुनिया का सबसे बड़ा गरीब है। लेकिन हम ये सोचते हैं हमारे बेटे बेटियों की शादी अच्छे घर पर हो, अच्छे घर पर लड़के के लिए दामाद ऐसा ढूंढेंगे कि अच्छा कमाता हो, 15-20 लाख का साल का पैकेज हो, तो ये हम अच्छे घर में सर वो ऐसे लाएंगे जो पढ़ी लिखी हो, अच्छे पैसे कराने की हो, और ऐसे वो लाने की कोशिश करें। लेकिन हम कभी ये नहीं देखते कि हमारे घर में संस्कारवान वो है, या फिर हमारी बेटी संस्कारवान घर में है। हम हमेशा पैसों के द्वारा तो बंधु आदमी पैसा कितना ही कमाने, लेकिन लोग लाइटेड इनोसेंट फ्लावर बनते सर पे ढलते हैं, बाहर से कितने अच्छे बंगले में रह जाए, कितने ही अच्छे पैसे कमा ले, लेकिन व्यक्ति यदि संस्कार से रहित है तो वह एक नरक तुल्य जीवन सा लगता है। इसलिए बंधु अपने सोच में परिवर्तन लाना जरूरी है। एक बार भले ही आपके पैसे वाली घर से बोल दिया है, लेकिन संस्कारवान अगर वो भाभी तो आपके घर को सुधार देगी, ईश्वर की तरह बना देगी। और आपने उस बहू जैसी दिया है जिसको झाड़ू निकालने नहीं है, एक बहू को लिया है कि भाई कुछ काम करेगी, कुछ काम नहीं करे वो तो सासू माँ है, सासू माँ की कमर में दर्द होता था, कुछ काम होता नहीं था, तो बेटे ने सोचा कि शादी कर ले तो अच्छे पैसे वाले घर की बेटी लिए शादी में, तो कुछ काम तो हो ही नहीं, और वो तो आराम से लेटी रहे 9-10 बजे तो कमरा खुले उसका, तो भाई अब नहीं नहीं को कौन बोले, पति अपनी पत्नी को कैसे बोले नहीं नहीं को। उसने कहा कि आज कुछ ना कुछ करना पड़े, मैं अपनी माँ को भी घर का काम करता हूँ देख नहीं सकता, और अपनी पत्नी को भी कह नहीं सकता, बीच में फंस गया वो इधर माँ उधर। अब उसने एक दिन क्या किया कि माँ सुबह 6 बजे उठकर झाड़ू निकाल ली थी, तो बच्चे ने कहा कि मैं ही थोड़ा सा, और उसने जोर जोर से चिल्ला दिया, माँ तेरी कमर में दर्द है, तेरे से
काम होता नहीं है, मेरी तबीयत खराब है, तू झाड़ू मत ही कर। इसलिए जोर से बोला था कि उसकी पत्नी सुने और कम से कम हाथ पाए, लेकिन परमेश्वर आराम से झाड़े मार के सुने उसको। पढ़ी लिखी हो गए, पढ़ी लिखी चाहिए पैसे वाली घर की जी। अब ये देख लो ये हाल है पैसे वाली घर की। हो जोर जोर से चिल्लाने लगा और इसने कह कह के एकदम देखे उठ नहीं गई, तो उसने फिर और जोर से चिल्लाया और एकदम अपने कमरे के बाहर ही माँ बेटे दोनों लड़ने लगे। वो अपनी माँ से झाड़ू खींचने लगा, माँ तू मत निकाल, मैं झाड़ू निकालूंगा, मैं सफाई करूंगा, मैं तो देव्या कुमारी निकालूंगा। माँ कह रही तू बेटा तेरा काम नहीं है, आदमियों का काम नहीं है, हमारा काम हमको करने दे, नहीं मैं करूंगा। इतने में उसकी नींद खुल गई, वो रानी वहां से फोन कर दी, गेट खोला, क्या है सुबह सुबह नींद नहीं लेने देते। अरे कुछ नहीं माँ, देखो ना माँ कितनी बीमार है, अच्छा लगता है कि माँ की इतनी बीमार अवस्था में भी सुबह सुबह उठकर कमर में दर्द है, शरीर में तकलीफ है और बुखार भी आ रहा है और देखो झाड़ू लेके गुबारी निकाल ली, अच्छा लगता है क्या? हाँ नहीं लगता, इसलिए मैं कह रहा हूँ माँ नहीं निकालेगी मैं नहीं करूंगा। अब वो देखे कि पत्नी आकर कम से कम अपने हाथ में झाड़ू ले ली। पत्नी तो बहू रानी थी, ज्यादा पढ़ी लिखी थी, पैसे वाली घर की थी। एक काम करो इसका सोल्यूशन मेरे पास है, पति खुश होकर चलो कम से कम इसकी आंखें तो खुली। हाँ बोलो बोलो क्या सोल्यूशन है? वो झाड़ू लेकर अपने पत्नी की तरफ गई, वो झाड़ू अपने हाथ में ले ली, तो उसने झाड़ू तो हाथ में नहीं ली। उसको बोला कि काम करो कि आज तुम निकाल लो, कल ये निकाल ले कि एक दिन तुम एक दिन मार इससे बंटवारा कर लो, मेरे को तो सोने दो कम से कम। चलो ऐसा नहीं कि वापिस हो किसी पे सोने का, ऐसी बोली चाहिए क्या? नहीं चाहिए। तो हम तो यस ये देखते हैं कि पैसे वाले घर की बहू भी आवे और संस्कार वहां जो भी आए। बंधु आज नहीं तो कल आपको इसका प्रस्ताव जरूर होगा, इसलिए आप अपने बच्चों को भी धार्मिक संस्कार दें और अपने बच्चों को भी धार्मिक परिवार में भेजें और अपने घर में बहू भी धार्मिक परिवारों से आए, क्योंकि पैसा तो चार दिन का है, जिंदगी तो निकालनी है तो संस्कारों से निकाली जाएगी। जिंदगी भर उसको रखना है, अपने एक ही घर में रहना है। अगर वो ज्वालामाली नहीं बनकर आ गई तो घर को पूरी महाभारत मचा देगी। पैसों से क्या होता, यदि संस्कार अच्छे होंगे तो वह बहु निरंतर आपकी भी सेवा करेगी और वह धर्म से भी पालन। लेकिन बस हमारी सोच ऐसी रहती है कि हम पैसे वाले घर की लाए। अब वह बहू बेटी क्या है, धार्मिक परिवार की तो थी, लेकिन माँ बाप ने देखा कि अच्छा पैसा है, इकलौता बेटा है, वो बड़ा बिजनेस है और शादी कर दी। ये नहीं देखा कि कभी उसके सास ससुर मंदिर भी जाते थे या नहीं जाते थे, गाँव में उनकी क्या शाख है, ये तो देखा ही नहीं। गाँव में उनको भी कोई पूछता नहीं था, क्योंकि भली करोड़पति हो कभी मंदिर में आई नहीं, कभी एक बोली नहीं ली, कभी विधान में भाग नहीं लिया, वो कौन उनकी पूजा करे, कौन उनको पूछ। होंगे पैसे वाले भले घर में चार चार गाड़ी हो तो भी तुम्हारे गाड़ी क्या करना, भले तुम पैसे वाले हो मंदिर ही नहीं जाते थे, गाँव के पैसे वालों के नाम से सब जानते थे, लेकिन सब ये जानते थे कि ये नास्तिक है और नास्तिक घर में संस्कारवान वो अगर फंस गई एकदम से ये समझ, क्योंकि उसको बिना मंदिर के उसका मन ही नहीं लगता था। जो बचपन से पहुंचा करती आई भगवान की, साधु को आड़ देती भाई, यहाँ तो साधु का नाम ही नहीं ले, साधु को आड़ देने की बात तो दूर है। एक दिन क्या हुआ कि सुबह सुबह वो तो संस्कारवान थी, तो उसने कहा चलो घर का ही काम करो, किससे बहस करे क्या रोना रोए। तो वह झाड़ू लेकर अपनी गुहारी निकाल ली थी, तो सुबह सुबह क्या कचरा सड़क पर बाहर निकालते हैं, तो सड़क पर निकाल ली थी। इतने में वहां से एक महाराज जी आए जो सूती के लिए जा रहे थे, तो एकदम महाराज जी को देखा तो खुश हो गई, क्योंकि उसके संस्कार ऐसे थे। महाराज को देख के नमोस्तु करने लगी और नमोस्तु एकदम बैठ के नमोस्तु किया और मैंने एकदम देखा कि महाराज जी तो कम उम्र के, तो एकदम उससे पूछ लिया कि इतनी सवेरे सवेरे कैसे आए, सवेरे सवेरे कैसे। महाराज जी ने जवाब दिया
मैं काल पर कोई भरोसा नहीं। महाराज भी समझ गए, वो भी समझ गए कि ये कोई बड़ी रीति लगती है कि इतनी सवेरे सवेरे कैसे, क्योंकि अभी तो उजाला बहुत हो गया है और अभी भी कहिए सवेरे सवेरे कैसे दिन हो गया है, इसका मतलब ये बड़ी लिखी लगती है। इसलिए महाराज ने भी क्या जवाब दिया, काल का कोई भरोसा। महाराज ने कहा कि जब वो नमोस्त करी रही है उससे बात छेड़ती, महाराज ने भी खड़े खड़े बात शुरू कर दी कि तुम घर का बासी भोजन करती हुए काल। उससे मैं महाराज जी मैं आपसे क्या झूठ बोलूं, हम तो बासी खा रहे। अब इतने में क्या हुआ, खिड़की पर सास सुना बैठी थी, उसकी कान में पड़ गई कि हम तो घर में क्या खा रहे, बासी भोजन खा रहे। तो एकदम उनको टेंशन आ गई कि ये कैसे बोल रही है, हमारे घर की बुराई कर रही है। कान खोल के सुनने लगी कि महाराज ने आके प्रश्न किया कि तुम्हारे सास ससुर कहाँ है। महाराज जी अभी तुमका जन्म ही नहीं हुआ, क्या बोली अभी तुमका जन्म ही नहीं हुआ। वो सासू माँ की मेरी पत्नी वो पागल है, सास ससुर का जन्म नहीं हुआ तो तू यहाँ क्या कर रही हो, कहाँ से। फिर महाराज जी ने आके पूछ लिया कि हमारे पतिदेव कहाँ है, वो अभी पागड़े में झूल रहे। तो फिर सासू माँ का दिमाग ठेका, पागड़े में झूल रहे हैं अभी, तो तू कहाँ से, मतलब पागड़े में झूल रही हो, तू इतनी बड़ी होगी। उल्टे सीधे जवाब देने लगी कि पतिदेव पागड़े में झूल रहे हैं और सास ससुर का जन्म ही नहीं हुआ है, हम घर में बासी भोजन करते हैं। तो इतना सुन के महाराज जी ने कहा कोई बात नहीं, धीरे रखो सब अच्छा हो जाएगा, ऐसा आशीर्वाद देके महाराज जी आगे चले। धीरे रखो सब अच्छा हो जाएगा, कौन सा बुरा हो रहा है, क्या कमी है घर में। फिर तो सासु माँ का दिमाग धड़क गया, महाराज जैसे आगे गए चिल्लाने लगे, ए इससे बात करी अंदर आ, मेरे तुझे बोला नहीं घर से बाहर नहीं निकलना, अरे कचरा तो बाहर फेंकने जाऊंगी, किससे बात करी थी। महाराज जी आए, कौन से महाराज जी, हम किसी महाराज जी को नहीं मानते, यहाँ तो रोज आते रहते इस गांव में, तो महाराज जी हाईवे रोड पर है आते जाते रहते हैं। अरे ऐसे कैसे बोल रहे, महाराज जी आए मैं तो महाराज जी के दर्शन करूंगी, हाँ दर्शन करूंगी, सब पता है घर की बुराई कर रही थी, महाराज जी वहां जाके सबको बोलेंगे, हमारी निंदा करेंगे, हमारी इंसल्ट की तूने। बात बढ़ गई, सासू माँ ने ससुर जी को बोला, ससुर जी को बढ़ चढ़ा दिया। ससुर जी ने कहा कि हम तो समझते तो बहुत सीधी है और हमारी इंसल्ट करने लगी, और ये बात बढ़ गई बढ़ते बढ़ते। उसने कहा नहीं मेरा ऐसा भी अभिप्राय नहीं था, जो बात सही दिखेगी क्या सही दिखेगी। अब इतने में लोग बोले कि इस भोग को तो वापिस किए भेजो, ये हमारे काम की नहीं। सासू माँ इतनी तेज गांव में बोला कि नहीं बुलाओ, मीटिंग बुलाओ, बैठक बुलाओ, आस पड़ोस के लोगों को बुला लिया, सभी लोग इकट्ठे हो गए। क्या हुआ, क्या ये हमारे घर की बुराई करती है, ऐसे भोग को क्या रखे। बात बड़ी तो चली, तो भी जब मैं महाराज जी से बात कर रही थी तो आस पड़ोस वाले भी सुन रहे थे, तो आस पड़ोस वाले तो जानते थे कि शेर जी तो नास्तिक है और बहुत सही कह रही थी, गलत क्या बोला। तो भी बहू को बीच बुलाया, भाई क्या बात है भाई, तूने ऐसा क्यों बोला। बोला क्या कि जो बात मुझे लगी सही बोला, तूने महाराज जी से ऐसा क्यों पूछा सवेरे सवेरे कैसे, तुझे क्या लेने देना महाराज जी आगे जाए। मैंने तो इसलिए पूछा, महाराज जी की उम्र मेरे को कम दिखी तो मैंने पूछा कि इतनी जल्दी रिक्शा क्यों ली। तो महाराज जी ने क्या जवाब दिया, क्या बोला, काल का कोई भरोसा, जब जाके अभी से। दूसरा प्रश्न है, सब मीटिंग के बीच में बहू को बुलाया भाई, कंसोलेशन करो, क्योंकि बात बढ़ गई थी, सास ससुर वाले थोड़े ऐसे थे तो बात बढ़ गई थी। तूने ऐसा क्यों बोला, बासी भोजन खिलाते रोज रोज ताजा खिलाते, देखो क्या कमी है, बासी भोजन खाती है, अब तेरे बासी खिलाया, मर्जी है तो खा, पांच पकवान बना, घर में कोई कमी है, पूरा कोठा भरा हुआ है, पूरा
तस्वीर जब बनाए, गोदाम बनाए, मर्जियत में जो खा पी जो पहन हमने बना के एक दिन, उससे कहा मैंने तो इस हिसाब से बोला कि आप लोग कोई धर्म तो करते नहीं, कभी घर में न तो कोई पाठ होता है, न नौका मंदिर का पाठ होता है, न मंदिर जाते, न कभी साधु का चौका लगता है। हाँ तो क्या हुआ, तो आप सब पिछले बहू का ही खा रहे हो, इस बहू में क्या कमा रहे हो, तो पिछले बहू का पुण्य खा रहे हो, तो इस बात से भोजन ही तो हुआ। सारे जो बैठे थे सब गाँव के लोग कहने लगे बहू तो सही आएगी, ये सुधार सकती है, नहीं तो हम गाँव वाले तो 50 साल से देख रहे हैं सेठ जी को सुधार नहीं सके, ये सुधार सके कुछ कर सके है। इनके खानदान ने ना तो चौका लगाने के खानदान के लोग मंदिर जाते हैं, करते भी वो आ सकती है, बात सही की इसने, हाँ बात तो सही है। फिर सास ससुर जन्मे नहीं तो क्या हम भूत खड़े, बोली कि मैंने तो महाराज के प्रवचन में यही सुना है कि जो लोग धर्म नहीं करते उसका जन्मी, इससे आपको कुछ मैंने तो देखा जब से आई, एक भी धर्म की चर्चा नहीं है, कोई धर्म का काम उसने मैंने कह दिया। तो पति देव पालने में कैसे जुड़ रहे हैं, पति देव को तो मैं समझा रही हूँ, थोड़ा थोड़ा मानने लगते हैं, उन्होंने ये तो कह दिया कि भाई मैं तेरे को धर्म करने से नहीं रोकूंगा, इसलिए मैंने कहा चलो कुछ नहीं तो मुझे तो कम से कम उन्होंने सपोर्ट किया कि अगर तेरे को कहीं मंदिर जाना है तो तेरे को मैं रोकूंगा नहीं, और तेरे को धर्म ध्यान करना है तो रोकूंगा नहीं, इसलिए मैंने कितने पालने में जुड़ रहे, तभी उनका थोड़ा थोड़ा भाव जग गया, तो सास ससुर और चिड़ गए। अब क्या बोले, उल्टा ही मीटिंग उन्होंने बुलाई और बातें उनके ही पड़ी, गाँव के लोग कहने लगे एकदम बहुत सही है सेठ जी, आप फालतू बहू पर गुस्सा कर रहे हो, अपने आप को सुधारो। सब लोग बोल बुला के चले गए, सब सास ससुर अंदर ही अंदर आग बबूला हो गई, तो हमारे ही माथे पड़ गया, हमारी दिल सड़ हो गई, सब जने बहू की प्रशंसा करने में सही आई है बहू। अब बहू ने भी देखा मौके पर चौका लगाओ, चौका मतलब दोनों अर्थ हो गए, समझ गए आप, लगे हाथ अब मेरे को मौका ही मिला है, जब गांव वालों को सपोर्ट मिल गया, पड़ोस का मिल गया, कहा कि मेरे को तो चौका लगाना है, गांव में महाराज जी आए, तो सास ससुर ने तो मना कर दिया, पति देव ने कहा भाई दो तो करे तो करे, हमको मना ही नहीं, बस पति की स्वीकृति मिल गई, उसने अकेले नहीं चौका लगा, और अकेले नहीं चौका लगा के जो भी आस पड़ोस एक दो जने आ गई, सास ससुर पहले ही इंसल्ट हो गई, वो ऊपर से नीचे नहीं आए, वो नीचे अकेली वो चौका लगा रही है, अब संयोग से महाराज जी आए, सब चौकों में घूमते घूमते महाराज उनके घर भी आगे आगे, महाराज ने कहा कि सिर्फ लेडीज लेडीज पड़कानी में तेरा इशारे से पूछा जोड़ा कहा है, महाराज की विधि थी जोड़े से पड़कनी। अब संयोग से पति देव भी आए, उसी समय नहा धोकर बाहर कार में बैठने जा रहे थे, वो भी खड़े हो गए क्योंकि महाराज जी आते प्रधान होता तो भीड़ हो जाती, वो भी खड़े हो गए भाई ऐसे, तो लोगों ने कहा कि देख महाराज जी जोड़े से पड़केंगे नहीं, तू पड़ा खड़ा हो जा, उसे कहा नहीं नहीं मैं तो जिंदगी में कभी हार नहीं, क्या होता मैं तुमको समझता ही नहीं, नहीं नहीं देखो देख, और पत्नी कहने लगे महाराज वापिस चले जाएंगे भूखे रह जाएंगे, आ जाओ आप आ जाओ, और आस पड़ोस वाले थोड़े धार्मिक थे जबरदस्ती उसको ले गए, रोटी रोटा पैदा नहीं खड़ा कर दिया, तो महाराज जी झट से आ गए, वो पड़क गए, वो तो कुछ समझे नहीं, जैसा पत्नी करे वैसा करते गए, पत्नी उनको बोली कि आप चिंता मत करो मैं सब जानती हूँ, भाई मैं लगा के डरने की ऊंचा संग्रह था बात को जन पूजन सब करके उसने सब पहली बार देखा, क्योंकि उसके घर में कभी चौका लगा ही नहीं, कभी साधु को देखा, तो उसको अच्छा लगा थोड़ा कि इतनी सब प्रक्रिया है, ये शुद्धि बोल के हार दिया तो उसके परिणामों की विशुद्धि बढ़ी, तो उसके बेटे ने कहा कि ये तो मैंने तो ऐसा लगा कि जैसे कोई आज करोड़ों रुपए कमा लिए, उसको खूब आनंद की अनुभूति हुई, और उस दिन दोनों ने हार दिया, सास ससुर अभी भी ऊपर बड़बड़ी की जाए। अब हार होने के बाद आजे बाजे बजे सबको प्रभावना बांटते हो पार्टी, सारी पब्लिक है सब के अरे कैसे सास ससुर है जिसका चौका है वो दोनों तो आई नहीं कहीं बाहर गए क्या, अब सबको पता चल जाता बाहर गए कहाँ गए, वो तो ऊपर ही है,
तो ये सुन के सास ससुर को इंसल्ट हुई कि आज बीड़ी इतनी हो गई और समझ रहे हमारी नहीं उठाने, वो दोनों पति पत्नी तो छोड़ने गए और पीछे से समझ रहे मजाक करने लगे, देखो घर में साधु है ऊपर से नीचे भी नहीं। इतनी इंसल्ट होने के बाद फिर उन्होंने कहा भाई ये वो मानने वाले नहीं, ये कल भी चोटा लगाएगी, कुछ ना कुछ करके अपनी इंसल्ट बचाने के लिए अपन को भी आना पड़े नीचे। अगले दिन वो भी नीचे उतरे और बहू ने कहा कि आप भी आ जाओ, और मैंने आपकी साड़ी सुखा दी है, कपड़े सुखा दिए, पहन के आ जाओ। तो अगले दिन वो भी खड़े हो गए सास ससुर। फिर धीरे धीरे महाराज जी फिर दोबारा आ गए, फिर सास ससुर ने हार दी और उनको भी अच्छा लगा, महाराज ने फिर सबको नियम दिलाए, सारी भीड़ थी पड़ोसी थे। फिर धीरे धीरे वो मंदिर जाने लगे, मंदिर गए तो लोगों ने कहा भाई क्या बात है आज बबूल के पेड़ पर गुलाब कहाँ से गिर गया, कहाँ से आ गया सब। महाराज ने अभिषेक का नियम दिलाया, सब लोग आए दीदी अभिषेक करे, फिर वो होली गिरी शांति धारा की, सब लोग ने कहा सेठ जी ने पहली बार होली ली। इस तरह से उनका सम्मान बढ़ने लगा और फिर विधान हुआ तो विधान में भी बैठने की इच्छा, बोले विधान बैठो तो उन्होंने होली ले ली, लोगों ने उनको साल होली से सम्मान किया। तो लगा मेरी जिंदगी में पहली बार मेरा सम्मान हुआ, तो क्यों कर रहे सम्मान, तो इनो मंदिर में आके जुड़ा हूँ, बड़ा दान पुण्य किया हो तो उनको अच्छा लगा। धीरे धीरे वो परिवार पूरा ही धर्म से जुड़ गया और सभी लोग धर्म की आराधना करने लगे, और एक आस्तिक पूर्ण नास्तिक परिवार को पूरा आस्तिक बता दिया। तो बंधुओं उनके पहले से भी ज्यादा सुख समृद्धि की विवृद्धि होने लगी और पहले से ज्यादा उनका यश और कीर्ति फैलने लगी। तो ये सब किसकी वजह से हुआ, उस बहू की वजह से हुआ जो धर्मात्मा था। तो यदि घर में अच्छी बहू आ जाए तो पूरे घर को स्वर्ग बना सकते, और यदि कोई बहू कैसी आ जाए, वो कौन सी वाली, इतने दोनों बहू का उदाहरण दे दिया है, दिया ना कौन सी बहू की, वो जो माँ बेटी की लड़ाई में क्या बोलती है, एक दिन माँ झाड़ू तू निकालना, एक दिन बेटा निकालेगा, मुझे तो सोने दो। अब आपको कौन सी बहू चाहिए, वो सोने वाली बहू चाहिए, तो ये सोचना चाहिए। हम लोग कहते सब ऐसे, लेकिन अपने बेटों के लिए जब देखने जाते हैं तो पहले पैसा देखते, ये हमारी सोच में ही हमको बदलाव लाना पड़ेगा। हम हमेशा ये सोचते हैं कि पैसे वाली मिल जाए, पैसे वाली मिल जाए, लेकिन संस्कारवान और धार्मिक मिलेगी कोई भी सोचता, थोड़ा सा अपनी सोच में। हालांकि बहुत से लोग ऐसे भी हैं, आज अच्छे उदाहरण भी दे रहे हैं, ऐसे बहुत से लोग अच्छे संस्कारवान घर से भी तलाश करते हैं, पैसा ही नहीं देखते हैं, लेकिन अधिकांश लोगों की सोच अभी भी यही है कि हमको बस पैसे वाले घर की बहू मिल जाए और हमारी बेटी पैसे वाली घर पे चले जाए। हर माँ बाप ये सोचता है कि करोड़पति खानदान में चले जाए, लेकिन ये नहीं देखना कि खानदान धार्मिक है। इसलिए बंधुओं हमारी सोच में बदलाव लाए, हम पैसे को इतना महत्व नहीं दें, क्योंकि मनी कैन बाय अमेजमेंट बट नॉट ट्रू हैप्पीनेस। बड़ी बंगला गाड़ी सब आ जाएगा पैसों से, लेकिन पैसों से अपन ट्रू हैप्पीनेस यानी हैप्पीनेस यानी प्रसन्नता अपन पैसों के द्वारा कलेक्ट नहीं कर सकते। आप सभी जने इस बात को माने, थोड़ा सा संस्कार को धारण करें, थोड़ा हो सकता है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एकदम ही सब वैरागी बन जाए, लेकिन थोड़ा थोड़ा धन खुद भी करें, सभी को करना है, अपने घर में भी करने की प्रेरणा दें। इंदौर की एक बात बता रहा हूँ, इंदौर में प्रवचन होता था हमारा चतुर्मास हुआ था डेली, जहाँ प्रवचन होता था ना तो ऐसी थी वहाँ पे धर्मशाला और बाहर घर थे दूसरे समाज के, प्रवचन सुन सुनकर एक सामने वकील साहब का घर था जो कि जाति से जेहली थे और वो मतलब दूसरे धर्म को मानते थे, लेकिन प्रवचन सुन सुनकर आए भी नहीं, सुन सुनकर जस्ट चतुर्मास के बाद अक्टूबर नवंबर में उनकी बेटी की शादी हुई, अच्छे पैसे घर आने के थे, लेकिन उन्होंने प्रवचन सुनकर और अपने पास में चतुर्मास हो रहा है, जब जैसे असली घटना बता रहा हूँ इंदौर की, जब चतुर्मास हुआ चतुर्मास के बाद वो आशीर्वाद लेने आए, तो उन्होंने कहा
सब जानते थे फेमस वकील इंदौर के, ये फेमस वकील है सामने है, और शादी का कार्ड नहीं किया है और नारियल चढ़ा के हमारे पास, महाराज जी आशीर्वाद दो कि मैंने अच्छा कदम उठाया। तो देखा कि क्या बात है, मैं शादी का कार्ड लेके आए और कह रहे बस मेरे को आशीर्वाद दे दो कि मेरी बेटी की शादी अच्छे से हो जाए। हमने अच्छी बात, जैसे ही शादी का कार्ड हमने उधर नजर दौड़ाई, शादी के कार्ड में लिखा था कि जो वास्तविक प्रीति भोज है वो आपके आगमन से लेकर सूर्यास्त, और लॉर्ड लिखा कि रात्रि में भोजन। मैंने कहा ये कितना अच्छा होता, ये बात सबको बताएं कि वो अजय नौकर अपने शादी के कार्ड में ये लिख रहा है कि मैं रात्रि को भोजन न तो करता हूँ, मतलब रात्रि में भोजन सूर्यास्त की भोजन मिलेगा, वो एक लाइन लिखी उन्होंने। तो कितना बड़ा कदम उठाया, सारी इंदौर में चर्चा होगी। वो वकील साहब के तो कितने पहचान वाले थे, कितने बड़े बड़े लोग आने वाले थे, लेकिन उन्होंने कार्ड में छुपा दिया कि सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं मिले। तो कितना बड़ा कदम उठाया, जबकि वो जैन भी नहीं थे। तो लोग बाग सब अचरज करने लगे, सब जो बड़े बड़े लोग थे इंदौर के सब शर्म से पानी हो गए कि हम कहने के जैन हैं, हम प्रवचन तो सुन रहे हैं लेकिन सही मायने में इस चतुर्मास का फायदा वकील साहब हो रहा है। तो ये मैं असली घटना बता रहा हूँ, पंद्रह दो ऐसी घटनाएं जब सामने आ जाती है तो सोच में पड़ जाते हैं कि संस्कार और धर्म कोई भी धारण कर सकता है, उसको धारण करने के लिए साहस की जरूरत है। थोड़ा शुरू में आपको जटिल जरूर लगेगा, लेकिन यदि आप उसको धारण करेंगे और अपने बच्चों से कराने की कोशिश करेंगे तो निश्चित ही उसका आनंद आपको आज नहीं तो भविष्य में मिलेगा। तो आप इस तरह से उदाहरण के माध्यम से सब बात समझ ही गए होंगे मेरी आज की बात। इसलिए ये भी एक संस्कार में एक अवसर मिला है, कम से कम मुझे ये नहीं पता कि क्योंकि मेरे लिए देवी एक ढंग से देखा जाए फर्स्ट बारी है, तो मैं नहीं जानता कि कौन यहाँ का है। हालांकि बाहर के लोग तो बहुत आ रहे हैं और दूर दूर से आ रहे हैं, सबको पता चल गया कि महाराज जी देवली में है। अब मुझे ये पता नहीं चला कि बाहर के लोग तो बहुत आ रहे हैं लेकिन यहाँ देवली वाले सब आ रहे हैं या नहीं, मुझे पता नहीं क्योंकि मैं पहचानता नहीं हूँ कि कौन देवली है कौन नहीं। इसलिए मेरे को तो हालांकि विश्वास है कि देवली का एक भी जैन परिवार ऐसा नहीं होगा जो भी इस समारोह में सर्किट नहीं हो रहा होगा, मैं तो यही समझता हूँ। मुझे ये भी नहीं पता कि कितने जैन घर। तो बंधुओं जब बाहर के लोग आ सकते हैं तो हम यहाँ पर एक आयोजन हो रहा है क्या उसका एक पल के लिए या कुछ समय निकाल कर नहीं आ सकते, सब आ सकते हैं। थोड़ा सा सोच की जरूरत है और समझ की जरूरत है, तो हम थोड़ा सा समय निकालें और ये अवसर मिला है कम से कम उस अवसर को हम बनाना सीखें और कम से कम इस शहर में जो कि बहुत ही अच्छा धार्मिक शहर कहलाता है, सबकी अच्छी भावना है। मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग जो लोग भी अभी तक कम से कम, हालांकि मैं तो ये समझता हूँ सब लोग आ गए हैं, मेरे को तो ये भी नहीं पता, लेकिन आप भले विधान में बैठे हो चाहे नहीं बैठे हो, कम से कम एक बार सिद्ध चक्र महामंडल के दर्शन एवं भगवान के दर्शन करके अपना पुण्य अर्जन करें। अपने ही शहर में विधान हो रहा है, अपन दूर जाते हैं, लोग तो मस्तका भी सिर्फ बाहुल जा रहे हैं, हजारों रुपये खर्च करके कोई कहाँ जा रहा है कोई कहाँ जा रहा है, आस पास मध्य से क्षेत्र जाते हैं, मनाई नहीं करना जाओ, लेकिन अपने ही गाँव में अपन इसको अपना समझ कर अपन इसमें शरीक होना चाहिए और इसमें अपना तो आप दिखाते हुए अपने हाथ में विशुद्ध बनाना चाहिए। नहीं तो आप थोड़े दिन पे समय कितने दिन रहे, चार तो निकल गए, अब कितने दिन बाकी रहे, बस चार पाँच दिन। इसलिए अभी भी संभल जाओ, अभी भी जो लोग नहीं आए उनको आप प्रेरित करो, क्योंकि बादल हट जाता है बरस जाने की बात और गम हल्का हो जाता है आंसू आने के बाद। लाख समझाए कि आप लोग मत छोड़ो लेकिन सबक मिलता है जब जाने के, बहुत समझाया कि इस धार्मिक अनुष्ठानों में जुड़ो लेकिन पश्चाताप होता है विधान संपन्न होने के बाद।